Hey guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? नमस्ते, सत श्री अकाल। सो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? कब शुरू करोगे भाई? अभी तो सर दिसंबर में बहुत टाइम है, हम तो सितंबर में शुरू करते हैं। सर भाई साहब ऐसे नहीं करना है। सो जितने लोगों ने एक ग्रुप दे दिया है, दूसरे ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, शुरू करो। जिन्होंने दोनों ग्रुप दे दिया है, प्रोफेशनल के लेक्चर शुरू करो, है ना। यूट्यूब पे जो होंगे वो तो चालू करो। चालू करो, बस पढ़ाई ऐसी बात है कि यार पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और बच्चे कहते हैं सर हम लोग कभी भी जब पढ़ रहे हैं तो लर्न करें, रीड करें। तो यार मेरे को लगता है थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने का ना एक रूल है, सिद्धांत है, कि पहले आप कंसेप्ट समझें। कंसेप्ट समझे बिना तो आगे ही ना बढ़े, ठीक है। मतलब कंसेप्ट समझना तो सबसे पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई फिर कि यार उसको रीड करके चल जाएगा क्या? तो मुझे लगता है रीड करके नहीं चलेगा। मतलब मेरा ऐसा बिलीव है कि अगर हम सिर्फ रीड कर लेना तो यू नो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक हफ्ते तक याद रख पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको याद करें अच्छे से, बार 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 पढ़ के उसको लर्न करें, हम उसके यू नो टेक्निक्स बना के, पॉइंट्स बना के उसको लर्न करने की कोशिश करें। कोई मान लीजिए बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, उसको हम पॉइंट पॉइंट उसके निकाल लें 10 और वो याद करें, ठीक है। कोई मान लीजिए आंसर ही पॉइंट्स में, तो एटलीस्ट पॉइंट पॉइंट हम लर्न कर लें, अंदर का समझ लें, ठीक है। देखो पूरा वर्ड टू वर्ड तो लर्न कोई नहीं कर सकता, ठीक है, कोई किसी का बाप भी नहीं कर सकता पूरी मॉड्यूल को वर्ड टू वर्ड या नोट्स को वर्ड टू वर्ड लर्न। लेकिन हाँ, हम पॉइंट्स बना के सिस्टमेटिकली उसको लर्न कर सकते हैं। तो वो थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप लोगों को करना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन टू यू गाइस। बाकी सबका पढ़ने का स्टाइल अलग अलग होता है, तो हो सकता है किसी को इससे कोई अच्छी मेथड आती हो तो भाई कि भाई हमारे को रीड करके हो जाता है सर, हम सिर्फ रीड करते हैं सर और हमारा सब कुछ हो जाता है। तो भाई अपनी अपनी थॉट है, बट एनीवे ऐसा लगा शेयर करना चाहिए किया। और मैंने आपको याद दिलाने के लिए भी ये वीडियो बनाई है कि भाई पढ़ते रहो ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, है ना जी। सो लग जाओ, अभी ज़िंदगी में पढ़ाई है जो काम आएगी, है ना। बाकी तो क्या है, सिंपती वाली दुनिया है, है? रिलेटिव हो कई सारे, तो चलो कोई अच्छे फ्रेंड है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कई दिखावे वाले फ्रेंड हो, ठीक है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप वाले गंदे वाले पार्टनर हों, अच्छे हों तो चलो ठीक है, हो सकता है कि आप कोई पढ़ाई करने के लिए फोर्स करे वो, अदरवाइज़ और उल्टा उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई की बाट लगेगी। सो यस, लग जाओ, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड मिलते रहेंगे।